भारतीय हॉकी टीम और फैंस का बरसों का इंतजार खत्म हो गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीत इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से मात देकर सालों बाद पहला ओलंपिक्स मेडल अपने नाम कर लिया है। 1980 के बाद ये हॉकी में भारतीय टीम का पहला मेडल है। इस मैच के हीरो रहे भारतीय टीम के अटैकर्स, जिन्होंने जर्मनी जैसी टीम के खिलाफ 5 गोल दागे। भारतीय टीम के लिए सिमरनप्रीत ने मैच में 2 गोल किए। उनके अलावा रुपिंदर पाल सिंह, हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किया। इस समय पर मैच में पिछड़ रही भारतीय टीम ने जिस तरह वापसी की वे देखने लायक थी। 2 गोल से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने एक ही क्वार्टर में 3 गोल कर दिल जीतने वाली वापसी की। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर के बाद जो अटैकिंग हॉकी खेली वे देखने लायक थी। वहीं भारतीय टीम के डिफेंस की बात करें तो वे अपने पिछले मैचों जितना प्रभावी नहीं खेले। हालांकि गोलकीपर श्रीजेश की कीपिंग आज भी देखने लायक रही। मैच की शुरुआत भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। भारतीय टीम ने मैच के दूसरे ही मिनट में गोल खा लिया और इसके बाद पहले पूरे क्वार्टर में जर्मनी की टीम भारत पर हावी दिखी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारतीय टीम ने जर्मन टीम को लीड डबल नहीं करने दी और दूसरे क्वार्टर में मैच पलट दिया। दूसरे क्वार्टर में तो गोल मानो बरसने लगे। पूरे क्वार्टर में 5 गोल हुए। शुरुआत हुई भारतीय टीम के गोल के साथ, जिसके बाद उन्होंने मैच में 1-1 की बराबरी कर ली। लेकिन जर्मनी की टीम ने तगड़ी वापसी करते हुए लगातार 2 गोल किए और मैच में 3-1 से आगे हो गए। लेकिन भारतीय टीम भी कहां रुकने वाली थी। भारतीय टीम को उनका तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला। गोलकीपर ने पेनल्टी कॉर्नर को रोक लिया, लेकिन हार्दिक ने रिबाउंड पर बॉल को गोल में धकेल दिया। उसके तुरंत बाद ही भारतीय टीम को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे हरमनप्रीत सिंह ने गोल में बदल दिया और फिर से भारतीय टीम को बराबरी पर ला दिया। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत भारतीय टीम के लिए और भी तगड़ी रही। भारतीय टीम को क्वार्टर के पहले ही मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे रुपिंदर पाल सिंह ने आसानी से गोल में तब्दील कर दिया। उनके 2 मिनट बाद ही काउंटर अटैक पर गुरजंत ने सिमरनजीत को बेहतरीन पास दिया और सिमरनजीत ने इसे गोल में धकेल स्कोर 5-3 कर दिया। अब चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम को बस जर्मन टीम को गोल करने से रोकना था। लेकिन क्वार्टर की शुरुआत भारत के लिए मन मुताबिक नहीं हुई। जर्मन टीम ने वापसी की कोशिशों के तहत शुरुआत में ही गोल दाग दिया। जर्मनी की टीम ने अपना 4th गोल कर वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कुछ बेहतरीन सेव किए और ये सुनिश्चित किया कि भारत इस मैच को 5-4 से जीते। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी नेहा ने। ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।